रोमन रेंस ने अपनी करंट हेल्थ सिचुएशन के ऊपर दिया बड़ा बयान। ब्रॉक लेसनर वर्सेस सेथ रॉलिंस मैच का अंत कैसे होगा और कौन जीतेगा, साथ ही साथ क्या जॉन सीना होंगे रॉ रियूनियन का पार्ट, जानेंगे आज किस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG तो गाइस आज की वीडियो की शुरुआत की जाए 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन यानी कि जॉन सीना की न्यूज के साथ। तो गाइस क्या जॉन सीना इस बारी की मंडे नाइट रॉ का पार्ट होंगे, क्या जॉन सीना का रिटर्न हमें देखने को मिलेगा नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के अंदर, चलिए जान लेते हैं। तो अगली रॉ होने वाली है रॉ रियूनियन, यानी कि दोस्तों काफी बड़ी रॉ वो होने जा रही है जिसके अंदर बहुत से लेजेंड्स आएंगे। लेकिन दोस्तों एक नाम ऐसा है जो कि अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, वो है 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन यानी कि जॉन सीना का। तो जॉन सीना से दोस्तों हाल ही के इंटरव्यू में सवाल पूछ लिया गया कि आप क्या आ रहे हैं रॉ रियूनियन के अंदर, तो उस पर दोस्तों जॉन सीना ने जो जवाब दिया वो काफी पॉजिटिव था। जॉन सीना क्या बोले, सीना बोले कि इस बारी की रॉ होने जा रही है काफी जोरदार, ऐसा WWE वाले कह रहे हैं। और WWE वालों का कहना ये भी है कि ये रॉ हर कोई याद रखेगा, जिसके बाद दोस्तों थोड़े से मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ साफ है कि सीना अपने रिटर्न को टीस कर रहे हैं और इस बारी की रॉ के अंदर वो हमें देखने को मिलेंगे अपनी वापसी करते हुए। अब आप पूछे क्या ये रिटर्न परमानेंट होगा, तो गाइज ऐसा नहीं होगा। मुझे लगता है कि सीना उसी रात के लिए आएंगे और अगली रात वो फुर हो जाएंगे, क्योंकि उनकी भी काफी ज्यादा मूवीज आनी बाकी है। लेकिन सभी जानते हैं कि सीना WWE को कभी नहीं भूलते, तो आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन अब हम चलते हैं आज की अपनी दूसरी बड़ी खबर के ऊपर। तो गाइस वो जुड़ी हुई है हमारे ब्रॉक लेसनर वर्सेस सेथ रॉलिंस के समर स्लैम मैच से। तो इस मैच के दोस्तों ऑड्स आ चुके हैं सामने, फ्रेश ऑड्स सामने आ चुके हैं और उसका रिजल्ट क्या है वो बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं इस मैच से जुड़ी अहम जानकारियों की। तो पहली जानकारी जो है वो ये है दोस्तों कि ये मैच क्लोज करेगा समर स्लैम 2019 को, यानी कि दोस्तों ये होने जा रहा है समर स्लैम का मेन इवेंट। और इस पर दोस्तों आप अभी से मुहर लगा सकते हैं, जैसे खबरें आ रही है दोस्तों WWE इसे मेन इवेंट बनाने जा रहा है। दूसरी जो खबर है दोस्तों इससे रिलेटेड वो ये है कि ये मैच आपको 15 से 20 मिनट का देखने को मिल सकता है। एज यू ऑल नो दोस्तों कि ब्रॉक लेसनर के जो मैचेस होते हैं वो इतने बड़े नहीं होते हैं, लेकिन WWE अब अपने प्रोडक्ट्स को चेंज कर रहा है, WWE बेहतर होने की कोशिश कर रहा है। तो प्लानिंग ये की जा रही है कि इस मैच को लंबा खींचा जाए और बेहतरीन किया जाए ताकि लोग खुशी खुशी घर जाए। तीसरी जो खबर है दोस्तों वो ये है कि इस मैच के अंदर आपको काफी बड़ी बड़ी चीजें देखने को मिल सकती है, बहुत टर्निंग इवेंट्स इसके अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। बात की जाए रिजल्ट की, तो गाइस इस मैच को ऑड्स में अभी जीत रहे हैं द बीस्ट ब्रॉक लेसनर, यानी कि अगर ऑड्स की माने इस मैच के अंदर आपको टाइटल रिटेन होते हुए नजर आएगा, जो कि काफी मायने में सही भी साउंड करता है, क्योंकि दोस्तों ब्रॉक लेसनर अभी टाइटल जीते हैं, अभी कैसे वो लूज कर जाएंगे। बट दोस्तों देखते हैं क्या बनता है और क्या कुछ होता है इस मैच के अंदर। हम चलते हैं आज की मेन खबर के ऊपर। तो गाइस मेन खबर जुड़ी हुई है बिग डॉग रोमन रेंस से। तो रोमन रेंस ने दोस्तों हाल ही में अपने हेल्थ से रिलेटेड काफी बड़ी बड़ी जानकारियां हमें दी और ये दी दोस्तों उन्होंने PNJ.com को दिए एक इंटरव्यू के दौरान, जहां उनसे सवाल पूछा गया था कि ल्यूकीमिया के बाद अब आपकी हालत कैसी है। तो इस पर दोस्तों रोमन रेंस ने तो पहले अपने ख्यालात व्यक्त किए, वो क्या बोले कि ल्यूकीमिया से ठीक होने के 5 महीने बाद अब मैं काफी पॉजिटिव फील कर रहा हूं और अब मेरे देखने का नजरिया भी चेंज हो चुका है। यहां उन्होंने साफ किया कि अब वो टेंशन बेहद कम लेते हैं और एश्योर करते हैं कि उनकी फैमिली सही सलामत रहे। जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपने ये अपनी जो फिजिक है, अपनी जो बॉडी है, फिर से कैसे अटेन की, क्योंकि सभी जानते हैं कि कैंसर में व्यक्ति काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है, लेकिन रिटर्न पर रोमन रेंस पहले जैसे ही लग रहे थे, तो रोमन रेंस बोले मैंने अपने न्यूट्रिशन और ट्रेनिंग के ऊपर खास ध्यान दिया और अब मैं काफी खुशी से कह सकता हूं कि सारे सिलेंडर यानी कि सारे पहिए ढंग से काम कर रहे हैं, यानी कि सारे अंग अब ठीक हो चुके हैं। तो यहाँ रोमन रेंस ने अपनी हेल्थ के ऊपर काफी अच्छी न्यूज दी है, रोमन रेंस अब काफी चंगे है। तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी ही थी, तो अगर आपको पसंद आई वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।